एक बड़ी फेमस कहानी है यहाँ पर दोस्तों, बिजनेसमैन और मछुआरे की, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक दिन एक बहुत ही सुंदर बीच पर एक मछुआरा फिशिंग कर रहा था। ये आराम से लेटकर समुद्र और साफ हवा का मजा ले रहा था, और जो इसकी फिशिंग रॉड थी वो इसने साइड में मिट्टी में गाड़ रखी थी कि तभी एक बिजनेसमैन इसके पास से गुजर कर जाता है और इसे लेटा हुआ देखता है। वो इसे कहता है, अरे भाई, अगर ऐसे ही लेटे रहोगे तो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाओगे। ज्यादा मछलियां पकड़नी है तो थोड़ी मेहनत करो। वो फिशरमैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तो आप ही बताओ क्या करूं भाई। बिजनेसमैन कहता है, ऐसा करो, एक बड़ा सा नेट खरीदो, क्योंकि एक फिशिंग रॉड से तो एक बारी में एक ही मछली पकड़ पाओगे, लेकिन अगर बड़ा सा नेट होगा तो ढेर सारी मछलियां एक बारी में पकड़ पाओगे। वो मछुआरा कहता है, लेकिन इतनी सारी मछलियों का मैं करूंगा क्या। बिजनेसमैन जवाब देता है, ऑब्वियसली उन मछलियों को मार्केट में जाकर बेचना, पैसे मिलेंगे। मछुआरा कहता है, फिर क्या, उन पैसों से मैं क्या करूं। बिजनेसमैन कहता है, उन पैसों से एक बड़ी बोट खरीद लेना, जिसमें और भी बहुत सारे नेट्स लगे होंगे, और भी मछलियां पकड़ पाओगे तुम, उसके बाद और भी पैसे कमा पाओगे। लेकिन मछुआरा कहता है, लेकिन उस और पैसे का फिर मैं करूंगा क्या। ये सुनकर बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होने लग जाता है, क्या मतलब क्या करूंगा, उन पैसे से एम्प्लॉयज को हायर करना, वो एम्प्लॉयज और मछलियां पकड़ पाएंगे और पैसे कमा पाओगे और मछलियां बेचकर। मछुआरा एक बार फिर से कहता है, लेकिन फिर क्या। फिर क्या मतलब, इतने सारे पैसे के साथ जो करना चाहे करना, खाना खाना, पार्टी करना, या आराम से बीच पर बैठ के रिलैक्स करना जब तुम्हारा मन चाहे। तुम अपनी जिंदगी के बाकी सारे दिन इस बीच पर रिलैक्स करके बिता सकते हो फिर आराम से। मछुआरा कहता है, भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी भी तो मैं वही चीज कर रहा हूँ।